हेलो दोस्तों, 5 मिनट रेसिपी विद शालू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी डिश जो हेल्दी और टेस्टी तो है ही, साथ साथ बच्चों की बहुत फेवरेट है और जिसके नाम से तो बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। इसका नाम है सूपी नूडल्स। इसमें वेजिटेबल की न्यूट्रिएंट्स तो है ही, साथ साथ सूपी नूडल्स का भी यमी टेस्ट है। तो आइए देखें इसको कैसे बनाएंगे। सूपी नूडल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिया है और ये कुछ मैंने, ये देखिए, बस इतने एक प्लेट में थोड़े से नूडल्स लिए हैं, इनको मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। और ये 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल से क्या होता है कि नूडल्स जो है हमारे चिपकते नहीं है। अब ये देखिए, ये नूडल्स हमारे कितने खिले खिले बनकर तैयार हैं। इनको मैंने 5 मिनट उबलने के बाद फ्राई पैन में उसको धो लिया था और धोकर ठंडे पानी से दोबारा धोकर उसको छान लिया। तो अब देखिए, अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 2 स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। 5 से 7 मेरे पास लहसुन की कली है, ये मैंने इसमें मिला दी है और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। और अब मेरे पास ये 1 प्याज है, इसको मैंने छोटा छोटा काटा है। बिल्कुल सूप में हम जो भी वेजिटेबल्स डालेंगे बहुत छोटी छोटी हमें काटनी है। इस तरह से थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी। और अब ये देखिए, इतनी छोटी मैंने, कितनी बारीक बारीक गाजर इसमें काटी है, ये भी मैंने इसमें मिला दी है। अब ये मैंने 3 तरह की शिमला मिर्च ली है, येलो, रेड और ग्रीन, इसको बेल पेपर भी बोलते हैं। ये भी आधी आधी लेकर मैंने इसमें मिला दी है। अब ये थोड़ा सा मैंने ऊपर से नमक डाला है और नमक के साथ साथ अब मैं यहाँ पर नूडल्स मसाला है मेरे पास, ये मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैगी मसाला है आपके पास तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। और दोनों में से अगर कोई भी मसाला नहीं है तब भी आप इसको बना सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 1 से 1.5 ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में इसको लेना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी इससे भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और कम आपको लिक्विड चाहिए तो और कम आप ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने साथ साथ जो नूडल्स हमने करके रखे थे बॉयल, वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। और अब ये हमारे इस तरह से सूपी नूडल्स लगभग तैयार हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी ताकि हमारे जो नूडल्स हैं और जो सब्जियां हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। और अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब ये ऊपर से मैंने 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, ये मैं इस पर डाल दूंगी। और 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। अब ये देखिए, हमारे सूपी नूडल्स बनकर तैयार हैं। इसमें आप ऊपर से चाइनीज लुक देने के लिए कुछ सॉसेस भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब वक्त है आज की टिप का। आज की टिप है, कभी कभी माइक्रोवेव में हमारे स्मेल आने लगती है। उस स्मेल को हटाने के लिए अगर हम एक बोल में गर्म पानी में नींबू डालकर 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में चला दें और फिर उसको साफ कपड़े से पोंछ दें तो स्मेल गायब हो जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।